हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? हम जानते हैं, हमें पता है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में, बाय स्वर तरंग, बाय ब्रेन रूट। हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। और बच्चों, आजकल हम क्या सीख रहे हैं? आजकल हम सीख रहे हैं मात्राओं का ज्ञान। हम किसका ज्ञान ले रहे हैं? मात्राओं का ज्ञान। तो चलिए, आज हम कौन सी नई मात्रा सीखने जा रहे हैं बच्चों? आज हम सीखने जा रहे हैं ए की मात्रा। तो प्रारंभ करते हैं आपकी अपनी पुस्तक स्वर तरंग बाई ब्रेन रूट से ए की मात्रा के शब्दों को। और ए की मात्रा की पहचान क्या है बच्चों? ए की मात्रा की पहचान है एक एक जो होता है, एक सिंगल मात्रा लगती है इस पर, और इसका उच्चारण होता है ए ए। जैसे कि का में ए की मात्रा लग गई तो क्या बन गया? के। चा में ए की मात्रा लग गई तो क्या बन गया? चे। टा में ए की मात्रा लग गई तो क्या बन गया? टे। और ता में अगर ए की मात्रा लग गई तो बन गया ते। जैसे सा में ए की मात्रा है तो बन गया से ब। पूरा क्या हो जाएगा अक्षर? से ब। अब इसका क्या शब्द बनेगा? सेब। भा में ए की मात्रा भेड़, भेड़। पा में ए की मात्रा पे और डे। फिर इसका उच्चारण कैसे करेंगे? पेड़। ता रा में ए की मात्रा रे, तारे। क रे ला, करेला। लाल टा, टा में ए की मात्रा टे, लाल टेन, लाल टेन, लाल टेन। तो चलिए अभ्यास करते हैं। बा में ए की मात्रा है बेर, बेर। ढा में ए की मात्रा है ढेर, ढेर। घा में ए की मात्रा घेर, घेर। फा में ए की मात्रा फेर। ये इसका उच्चारण क्या है? ए ए। फेर। धागे, भागे। बेल, मेल। जेल, मेला। ठेला, केला। चेतन, चेतन। वेतन, वेतन। महेश, महेश। रमेश, रमेश। नरेश, नरेश। सुरेश, सुरेश। सहेली, पहेली। सवेरा, ठठेरा। अपने, सपने। मेहमान, मेहमान। मेज बान। लाल टेन। सेवा राम, सेवा राम। मलेरिया, भेल पूरी। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों? हम किसका अभ्यास कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ए की मात्रा, ए की मात्रा का अभ्यास। और ए की मात्रा का कैसे स्वर होता है? इसका उच्चारण कैसे होता है? इसका उच्चारण होता है ए ए। अब हम चलते हैं, वाक्य पढ़ते हैं मेरे साथ। सब बच्चे दोहराएंगे हमेशा की तरह। महेश रेलगाड़ी से मेरठ गया। उसके साथ रमेश, नरेश व सुरेश भी गए। वे भेलपुरी व पेठा खाते हुए गए। रेलगाड़ी चलती जा रही थी। बाहर हरे हरे खेत दिख रहे थे। रेलगाड़ी मेरठ स्टेशन पर रुकी। सभी रेलगाड़ी से नीचे उतर गए। अगले दिन वे सब रेलगाड़ी से ही वापस आए। तो हमने कौन सी मात्रा का अभ्यास किया बच्चों? ए की मात्रा का। और फिर से एक बार पढ़ते हैं। नेहा रेशमा की सहेली थी। रेशमा के पिता जलेबी बनाते थे। नेहा
मीठी जलेबी खाती थी। केशव ने एक केक बनाया, फिर उसने केला भी खाया। रेशु करेला लाई, रेशु ने भी केला खाया। ऋकेशव ने सेवा करके मेवा पाया। तो बच्चों अभी हमने क्या किया, अभी हमने करे एक ही मात्रा के शब्द, और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम एक ही मात्रा जो है इन शब्दों में एक ही मात्रा लगाएंगे। जहाँ पे सबसे पहले है सवक, सवक में मैंने एक ही मात्रा लगा दी, ये एक ही मात्रा है। सेवक, मेहमान में फिर मैंने एक ही मात्रा लगा दी, क्या बन गया मेहमान। परेशान में एक ही मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा परेशान। लखक, लखक में एक ही मात्रा लगाएंगे क्या बन जाएगा लेखक। बसरा, बसरा में फिर एक ही मात्रा तो क्या बन गया बसेरा। सब, सब में सा में एक ही मात्रा लगाई बन गया सेब। मज, मजा में मेज, मेज। जब, जब में जा में फिर एक ही मात्रा लग गई तो क्या बन गया जेब। कला, कला का में एक ही मात्रा लगाई क्या बन गया केला। फिर मला में मा में एक ही मात्रा लगाई क्या बन गया मेला। कपड़ा, कपड़ा डा में एक ही मात्रा कपड़े। बसन, फिर बा में एक ही मात्रा क्या बन गया बेसन। ठीक, और अब क्या है चित्र पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। सबसे पहले क्या बनी हुई है, ये सबसे पहले बनी हुई है मा और जा, फिर मैंने एक ही मात्रा लगा दी क्या बन गया मेज। फिर ये क्या बना हुआ है सा में एक ही मात्रा क्या बन गया सेब। और ये क्या है रा में एक ही मात्रा रेल। और फिर गाड़ी, रेल गाड़ी। अब ये क्या है ग, ना में एक ही मात्रा ने श, गणेश। ठीक, तो हमने क्या किया बच्चों, हमने अभी एक ही मात्रा के शब्द लिखे ठीक करे, और फिर हमने चित्र पहचान कर उनके नाम लिखे। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम फिर से क्या लिखने जा रहे हैं, चित्रों को देखकर उनके नाम। सबसे पहले क्या बना है सपेरा, सपेरा। फिर क्या बना है ये करेला, करेला। और फिर ये क्या है केतली, केतली। और लास्ट में क्या बना है ये मेंढक, मेंढक। और हमने कौन सी मात्रा का अभ्यास किया, हमने एक ही मात्रा का, एक ही मात्रा का बच्चों। और इसका उच्चारण कैसे होता है ए, ए करके। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आप अवश्य इसके खूब सारा अभ्यास करेंगे, बोल बोल के करेंगे। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, सुलेख लिखेंगे बोल बोल के। तेरह मेहमान खाने पर बुलाए गए, केले के छिलके सड़क पर पड़े थे। वह धीरे धीरे हवेली के पास गया। आपको ये तीन लाइनों का अपने बहुत सुंदर सुंदर अभ्यास करना है। और इसके साथ हमारी आज की मात्रा यहीं समाप्त होती है, फिर से हम एक नई मात्रा के साथ आते हैं। तब तक के लिए आभार।